नॉर्थ अमेरिका के दोस्तों पड़ोसी देश दो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा है, इन दोनों के लोगों में ना अक्सर दोस्तों बहस छिड़छिड़ी रहती है कि क्यों कनाडा बेटर है। कुछ लोग कहते हैं क्यों आखिर यूनाइटेड स्टेट्स बेटर है, लेकिन काफ़ी सारी रिपोर्ट्स को रीड करने के बाद ना आज दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे बड़े पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे ये साबित होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना कनाडा के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेटर कंट्री है। और इन पॉइंट्स से आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आखिर यूएसए आज के दिन इतना ज़्यादा आगे माना जाता है और क्यों आज के दिन भी दोस्तों कनाडा इतना अमीर होने के बाद भी यूएसए का मुकाबला बिल्कुल ही आपको कहीं पर भी करता हुआ नजर आने नहीं वाला। तो वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। सबसे पहले अगर दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करें तो वो है यहाँ पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आपको जॉब करनी है और आप चाहते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नज़र ना आए तो यूएसए से शायद बेटर कंट्री आपके लिए पूरी दुनिया में कोई हो नहीं सकती, क्योंकि दुनिया की इतनी बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की हर बड़ी कंपनी यहीं से आपको शुरू होती हुई नज़र आ जाएगी। यहाँ पर हर तरह के बड़े बड़े ऑफिसेस, हेडक्वार्टर्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ के देखने को मिलेंगे और आईटी में दोस्तों यूएसए का कोई आज के दिन टाकरा ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूएसए की हर सिटी में दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन कनाडा में ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ दोस्तों आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भले ही कनाडा में हैं लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि यूएसए में। और कनाडा की हर सिटी में दोस्तों आपको अच्छी जॉब मिल जाए ये भी बिल्कुल संभव नहीं है। अगले मेजर पॉइंट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में भी आपको यूएसए सस्ता बढ़ने वाला है और कनाडा ज़्यादा महंगा। कनाडा में दोस्तों हाउस प्राइसेस ही आपको यूएसए के मुकाबले 3 गुना तक ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और फूड प्राइसेस भी 2 गुना और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस भी तकरीबन डबल बढ़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों यूएसए में बहुत सारी चीज़ें अपने देश से आती है और कनाडा काफ़ी सारी चीज़ें इम्पोर्ट करवाता है और दोस्तों लेबर कम होने के चलते भी यहाँ कनाडा में आपको महंगाई ना थोड़ी तो ज़्यादा देखने को मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुकाबले में। अगले मेजर पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों यहाँ पर इकॉनमी यानी जीडीपी को लेकर। जीडीपी में तो आज के दिन दुनिया की किंग कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दुनिया का कोई भी देश दोस्तों अभी तक इसके साथ कोई मुकाबला कर नहीं पाया है। आज के दिन अगर यूएसए की नॉमिनल जीडीपी देखें तो वो तकरीबन 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। इस तरीके से ये दुनिया का नंबर वन देश है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ कनाडा, इस देश की भी आज के दिन नॉमिनल जीडीपी 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को रीच कर चुकी है, लेकिन इकोनॉमिकली ये अमेरिका के सामने आपको कहीं भी टिकता हुआ नज़र नहीं आएगा। अमेरिका दुनिया की नंबर वन इकॉनमी है तो कनाडा पूरे वर्ल्ड की 8वें नंबर की इकॉनमी है। कनाडा का पूरा सिक्का चलता है, पूरी दुनिया डरती है दोस्तों इनकी बड़ी इकॉनमी के चलते, क्योंकि पैसे की ना आज के दिन यूएसए के पास आपको कोई कमी रहती हुई नज़र नहीं आएगी। अगले मेजर पॉइंट की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है वेदर और क्लाइमेट को लेकर। वेदर और क्लाइमेट की चर्चा करें तो वैसे दोनों देश बहुत ठंडे हैं। एक्सट्रीम लेवल की सर्दी आपको न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ना बहुत ज़्यादा पड़ती हुई नज़र आ जाएगी, लेकिन अमेरिका के पास इतना एरिया है, पूरा एरिया इसका पूरा डेवलप्ड है, जिसके चलते आपके पास अक्सर ऑप्शंस रहती हैं कि आप किसी गर्म जगह पर जाकर भी रह सकते हैं। अमेरिका में बहुत ऑप्शंस हैं जहां सर्दी कम भी पड़ती है, लेकिन कनाडा में आपको ये ऑप्शंस कुछ खास नज़र आने नहीं वाली, क्योंकि कनाडा में अमेरिका के मुकाबले ठंड पड़ती भी ज़्यादा है और ऐसे एरियाज़ में काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर दोस्तों गर्मी हो। और इसके अलावा गर्मी के सीज़न में दोस्तों आपको एक्सट्रीम लेवल की गर्मी भी ज़्यादा कनाडा में देखने को मिलेगी, यानी हार्श लेवल की सर्दी भी ज़्यादा और हार्श लेवल की गर्मी भी ज़्यादा। ये एक बड़ा नुकसान है दोस्तों कनाडा में रहने का, और ये एक बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने अनुसार दोस्तों किसी दूसरी सिटी या दूसरी स्टेट में जाकर रह सकते हैं कनाडा में, जिसका वेदर आपको ज़्यादा सूट करता हो। जैसे कि न्यूयॉर्क और मियामी का दोस्तों वेदर बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। अगले मेजर पॉइंट की यहाँ पर दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो वो है नाइट लाइफ को लेकर। नाइट लाइफ के मामले में दोस्तों अमेरिका आज के दिन दुनिया की सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे की कंट्री मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों स्पेशली लास वेगास अपनी नाइट लाइफ के लिए, खूबसूरत लड़कियों के लिए और पब्स और क्लब्स के लिए पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है। और यहाँ के कैजिनोस में जाकर दोस्तों आपकी ज़िंदगी जन्नत भी बन सकती है, आपको इतना मज़ा आएगा। लेकिन कनाडा की नाइट लाइफ कुछ खास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपको बोरिंग लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना दोस्तों उतना मज़ा आपको कभी भी नहीं आ सकता कनाडा की नाइट लाइफ में
जितना मज़ा आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नाइट लाइफ में आने वाला है। नाइट लाइफ के अगर आप शौकीन हैं, रातों को घूमना पसंद है दोस्तों, क्लब्स पब्स और पार्टी का माहौल अगर आप हमेशा बनाना चाहते हैं, तो यूएसए है आपके लिए। और कनाडा जैसे देश से फिर तो आपको दूर रहना चाहिए अगर दोस्तों आपको पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अगले मेजर अगर हम दोस्तों यहाँ हम पॉइंट की बात करें तो वो है मिलिट्री के बारे में। आज के दिन यूएसए की मिलिट्री से दोस्तों पूरी दुनिया खौफ खाती है। दुनिया की नंबर वन मिलिट्री मानी जाती है। इनके पास दोस्तों हथियारों की कोई कमी नहीं है और ब्रेन शार्प होने के चलते दोस्तों ये किसी भी जंग में आपको पछड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। यही तो वजह है कि मिलिट्री पावर इंडेक्स के अनुसार आज के दिन यूएसए का स्कोर निकला है 0.0453। और इस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड की नंबर वन ऐसी कंट्री बन जाती है जिसकी मिलिट्री ना आज के दिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। वही दोस्तों कनाडा की बात करें तो इनका मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर निकला है सिर्फ 0.3601। और इस तरीके से ये दुनिया की दोस्तों 23वें नंबर की कंट्री बनती है जब चर्चा मिलिट्री की आती है। इस मामले में कनाडा आपको दूर दूर तक कहीं भी दोस्तों यूएसए के सामने बिल्कुल टिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगले मेजर पॉइंट की अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो वो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर। किसी भी बड़े देश के लिए आज के दिन ना मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके चलते हर देश की गवर्नमेंट ना अपनी मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा बजट निकालती है। अपनी जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा दुनिया के बहुत सारे देश ना मिलिट्री के ऊपर खर्च करना ही पसंद करते हैं। जैसे कि आज के दिन दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 801 बिलियन US डॉलर का खर्चा सिर्फ अपने मिलिट्री के रिलेटेड कामों पर करता हुआ नज़र आ जाएगा। और इस तरीके से ये दुनिया का नंबर वन देश है जो अपनी जीडीपी का इतना ज़्यादा विशाल हिस्सा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मिलिट्री के कामों पर खर्च करता है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा ये देश दोस्तों सिर्फ 26.4 बिलियन US डॉलर का खर्चा ही अपने मिलिट्री के रिलेटेड कामों पर करता है। और इस तरीके से ये दुनिया का एक काफ़ी ज़्यादा पछड़ा हुआ देश है चर्चा जब मिलिट्री एक्सपेंडिचर की आती है। तो अगला मेजर पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स को लेकर। अगर आपको शॉपिंग करना बेहद ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों कनाडा से ना कहीं ज़्यादा आपको बेटर कंट्री लगेगी, कहीं ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि दोस्तों यहाँ आबादी ज़्यादा है तो बड़ी बड़ी शॉप्स, बड़े बड़े मॉल्स आपको ज़्यादा नज़र आने वाले हैं। आज के दिन कनाडा देश में आपको सिर्फ 3,700 शॉपिंग मॉल्स ही नज़र आने वाले हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको 1,16,000 से भी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स नज़र आ जाएंगे। और अगर दोस्तों शॉपिंग मॉल्स के हिसाब से कंट्रीज़ की बात करें तो यूएसए से ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स आज के दिन पूरी दुनिया के और किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। पूरे यूरोप में जितने शॉपिंग मॉल्स हैं उतने तो दोस्तों अकेले आपको यूनाइटेड स्टेट्स के पास नज़र आ जाएंगे। तो शॉपिंग लवर्स के लिए यूएसए एक जन्नत है। वैसे वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोज़ हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।